हाय गाइस, क्या हाल है सभी के। माई सेल्फ देवांश, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और इस बार हम चलाने वाले हैं 12844 अहमदाबाद से पुरी के लिए जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो भाई ट्रेन हमारी देखो खुर्दा रोड पे पहुंचने वाली है, और यहाँ पर ना गाइस इसका लोको रिवर्सल होता है, मतलब ये पीछे की डायरेक्शन से आ रही है तो अब इसे पीछे ही जाना है। तो भाई यहाँ पे हमें अपनी पावर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पावर तो नहीं बदलेगी, मतलब इलेक्ट्रिक से डीजल नहीं होगा। मैं सोच रहा था वैसे ऐसा कर दूँ, बट मैंने सोचा यार चलो छोटा सा ही तो रन है, हम वैप 7 ही लेके चलते हैं। सो गाइस देख सकते हो यार, खुर्दा रोड पे एंट्री हमारी अहमदाबाद पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस करने लगी है। और आज का ना भाई साउंड वर्क बहुत ही प्यारा होने वाला है। वेल, आजकल सभी वीडियो में हो ही जाता है। सो गाइस खुर्दा रोड पे यार देखो काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक है। एक तो ये लाइट लोकोमोटिव खड़ा है, और मद्रास मेल यहाँ पे खड़ी हुई है जो कि हावड़ा से आई थिंक चेन्नई के लिए जाती है। 12839 जिसका ट्रेन नंबर है, वैप 7 के साथ ये यहाँ पर खड़ी है। इसका आई थिंक यहाँ से जो डिपार्चर का टाइम है वो 7:10 का है। अब यहाँ पे पता है क्या मज़े की बात है यार, अगर हमने 10 मिनट के अंदर में अपना लोको रिवर्स कर दिया ना और वापस ट्रेन के पीछे ले जाके कनेक्ट कर दिया, तो भाई इस ट्रेन के साथ ना हमारा पैरेलल डिपार्चर होगा कहाँ से, खुर्दा रोड जंक्शन से। तो चलो यार पहले तो इस गाड़ी को खुर्दा पे लगाते हैं आराम से, और हॉर्न बजाते रहते हैं थोड़े बहुत। मेरे आई होप हेडलाइट्स मैंने डिम ऑन कर रखे हैं। जी हाँ, बस यार मैं एक चीज़ करना भूल गया, बट यार देखो अब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है तो मैं अब इसे बंद करके ना वो चीज़ फिक्स करने नहीं जाऊंगा। जैसा आप सभी देख सकते हो ना, अभी जो हमारा वैप 7 है जो मेरे ये ईओजी से कनेक्टेड है, इसका अगर तुम कपलिंग वाला एरिया देखोगे ना तो भाई जो मेरा बफर है वो बहुत ज़्यादा इस कोच के ना बफर में अड़ रहा है। मतलब दोनों का पता नहीं क्या हो रहा है बट बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, तो इसको मुझे फिक्स करना था यार, मैं ये भूल गया। कोई नहीं यार, बड़े बड़े रूट्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी पहले हम अपनी ट्रेन को बहुत ही प्यार से लगाते हैं। यार एक्चुअली ना गाइज, ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं 24 कोचर गाड़ी लेके आऊँ ना तो भाई वो तो फिट ही नहीं होगी। जो सिग्नल है ना मेरा यहाँ पे स्टार्टर, यहाँ पे भाई एक अच्छा सा मुझे डिस्टेंस मेंटेन करके अपनी गाड़ी को लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे पूरी स्पीड भी मैं डाउन नहीं करूँगा। अगर हम पीछे चल के देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो ईयूजी है वो तो भाई प्लेटफॉर्म के अंदर लग चुका है, बट अब रिवर्स करेंगे तो हमारा जो स्टार्टर होगा ना वो सामने देख सकते हुए दो सिग्नल है, राइट साइड वाला ये हमारा सिग्नल होगा। तो भाई इससे मुझे थोड़ा डिस्टेंस पे करना पड़ेगा अपना ईओजी, क्योंकि भाई अभी मुझे अपना जो लोको है वो भी वापस ला के यहाँ पर कपल करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए। देख रहे हो यार ईओजी क्या ही घुर्रा रहा है यहाँ पे। 30629 पावर यहाँ पे दी गई है मद्रास मेल को। सो गाइस अपने स्टार्टर से भाई 10 मीटर का मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया है, और थोड़ा सा यहाँ पे पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीट हो रही है तो इसको होने देते हैं। इतने में अपने लोकोमोटिव को अपनी ट्रेन से डीकपल कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा लोकोमोटिव है वो भाई ट्रेन से डीकपल हो चुका है। ऑल दो यार रेलवर्क्स की तरह ना इसमें वो नहीं दिखता। अरे यार मेरे कैमरा एंगल यहाँ पे थोड़े ख़राब हो चुके हैं। ख़राब यार मतलब मैंने फ्री कैम किया नहीं था, और मैं ना अपने माउस से इधर उधर भागने लगा था। तो चलो यहाँ पे देख सकते हो भाई कितने क्लोज हो रखे हैं यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो रखा है भाई। तो चलो देखो सिग्नल गाइस यहाँ पे हमें दिया गया है, तो मुझे कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पैसेंजर बोर्डिंग अपने आप होती रहेगी, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं उसे लेके भाग नहीं रहा हूँ। मैं अपने भाई लोकोमोटिव को आगे लेके चलता हूँ जो कि हमारा ज़रूरी काम है। और यार यहाँ पे देख सकते हो लोको पायलट स्टॉप हेयर का यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है। रूट गाइस हमारा जो आज का है वो है द ईस्ट कोस्ट रेलवे, और इसका ये चैप्टर 2 है जो कि शालीमार से पूरी कवर किया गया है। यार एक तो ना यहाँ पे रिवर्सल के लिए देखो 30 की मैक्सिमम स्पीड हमें दी गई है, कि 30 की स्पीड के अंदर में रह कर ही आप जो है अपना रिवर्सल कंप्लीट करोगे। और भाई यहाँ पे देख सकते हो किसी फाटक को गाइज हमने क्रॉस कर दिया। यार यहाँ पे इतनी सारी रेलवे लाइन्स हैं, और खुर्दा रोड से भी गाइज बहुत ही ज़्यादा, मतलब डेली बेसिस पे ट्रेन्स हद से ज़्यादा निकलती हैं, ऊपर से गुड्स ट्रेन भी मान के चलो। तो भाई सोचो इस फाटक पर कितना जाम लगता होगा। आई थिंक इसी को देखते हुए सरकार ऊपर वो फ्लाईओवर बनवा रही है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। आजकल के फ्लाईओवर कंप्लीट हो ही नहीं रहे हैं भाई। तो चलो यार अपने रिवर्सल पॉइंट पर चलते हैं जल्दी से। और एक तो यार आज की ना अपनी ट्रेन में इरोड सेट का वैप 7 दिया गया है। इस ट्रेन के लिए बहुत ही बड़ा ये ऑफ लिंक है। इस ट्रेन को ना सिर्फ 2 लिंक्स दिए जाते हैं जो कि इसके रेगुलर लिंक माने जाते हैं, वो है वडोदरा शेट का वैप 7 या फिर विशाखापट्टनम शेट का वैप 7, बट आज भाई इरोड दे रखा है। और यहाँ पर देख सकते हो एक मालगाड़ी खुर्दा रोड के यार्ड में खड़ी हुई है, और यहाँ से हमारा रिवर्सल है तो मैं अपने लोकोमोटिव को यहाँ पे ब्रेक्स लगाता हूँ। और भाई इधर से एक मालगाड़ी गाइस आई थिंक खुर्दा रोड को स्किप करने वाली है। पहले अब मुझे जो करना है ना यहाँ पे गाइस, हम कैब चेंज करेंगे, तो भाई चलो कैब चेंज करते हैं।
और ये हमारा हो चुका है यहाँ पे कैप चेंज। अब देखो यार डायरेक्शन बदली है तो ये सब तो करना पड़ता है, तो मैं पहले अपने पेंटोग्राफ्स को यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। इस वाले पेंटोग्राफ को हम डाउन कर देंगे और पीछे वाले पेंटोग्राफ को गाइस ऑन करेंगे। पहले इसको नीचे होने देते हैं कम्प्लीटली। तो चलो भाई उस पेंटोग्राफ को गाइस हमने ऊपर कर दिया है जैसा कि देख सकते हो। तो चलो गाइस पहले तो यार इस वेब 7 को मैं ऑन करता हूँ। गाइस पेंटोग्राफ को हम OHE वायर पर टच तो करवा देते हैं बट स्टिल जो लोकोमोटिव है वो पावर ऑन नहीं हुआ होता है। वो सिर्फ ऐसा होता है कि लोकोमोटिव की अंदर पावर गई है बट वो पावर ऑन नहीं हुआ है। उसके लिए आपको कुछ स्विच दबाने पड़ते ही हैं, तो भाई वही हिसाब यहाँ पर रहता है। चलो अपना यहाँ पे पेंटोग्राफ मेरा चेंज हो चुका है तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यार काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे लग गया, पहले यार ब्रेक्स को तो रिलीज़ कर लो। तो चलो गाइस चलते हैं यार हमारे स्पेशल लोकोमोटिव को लेके, जो कि है आज़ादी का अमृत महोत्सव लिवरी जिसको दी गई है 37036। काफ़ी अच्छी लिवरी है यार ये, नो डाउट। क्या बात है यार, ये मालगाड़ी की साउंड सुनो गाइस, वो जो खटाखट वाली होती है ना वही वाली आ रखी है। सो गाइस पैरेलली इस मालगाड़ी को ओवरटेक करके आगे जाते हैं। यार खुर्दा रोड के कौन से प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन को लगवाया गया है? आई थिंक गाइस 5वें नंबर पर लगवाइए गाड़ी, तो 6 नंबर से हमारा रिवर्सल होगा 100%। और इस पर मैं बैट लगा सकता हूँ, बट देखो ये सब बैट वगैरह लगाना अच्छी बात नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये फाटक है तो ये देखो ये बस वाला भाई फाटक के अंदर से घुस रखा है और इसको इतनी जल्दी है इसे पहले भागना है। मतलब यूजुअली क्या होता है जो 2-व्हीलर्स होते हैं वो भाई अपनी गाड़ियाँ वगैरह नीचे से निकाल के आगे भगा लेते हैं, बट यहाँ बस वाले ने आगे कर रखी है कि भाई पहले तो मैं ही निकलूँगा। अच्छा ये मेन लाइन से देखो मालगाड़ी स्किप कर रही है खुर्दा को, और मैंने क्या कहा था भाई प्लेटफॉर्म नंबर 6 से हमारा रिवर्सल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर भाई हॉर्न बजाते हैं, ऑल दो पैसेंजर्स तो मुझे कहीं दिखते नहीं है यहाँ पे। और 18/12/6 पुरी से रुरकेला के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस जो गाइस चलती है वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर खड़ी हो चुकी है। पता यार ये छोटी सी गाड़ी है, स्टार्टिंग में इसके साथ ना हमारा पैरेलल रन होता है, बट यार मैं अपने ना कैमरा एंगल्स चेंज करना भूल गया। अभी कब यहाँ पे पैरेलली हमारे साथ आके खड़ी हो गई यार देख ही नहीं पाए वो एक्शन हम। वरना इस एक्टिविटी में ना स्टार्टिंग में 2 पैरेलल रेस आपको मिलती है, 2 भी नहीं 3 है यार। देखो एक तो ये इंटरसिटी के साथ, दूसरी वो मालगाड़ी के साथ, और तीसरी है हमारी मद्रास मेल के साथ। यार 10 मिनट मुझे यहीं पर लग चुके हैं, वो ट्रेन को अपने प्लेटफॉर्म पर एडजस्ट करने की उसमें ना काफ़ी लेट हो गया यार मेरे को, बट कोई बात नहीं। सो गाइस ट्रैक चेंज पर थोड़ी सी स्पीड डाउन कर लेते हैं। अब देखो यार सीधी ट्रैक पर तो 30 की स्पीड हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ट्रैक चेंज के टाइम पे 15 से 20 की ही स्पीड जो है कंसिडर करी जाती है ट्रेन के लिए, जो कि सेफ स्पीड होती है। और देखो यहाँ पे हमारा रिवर्सल पॉइंट ग्रीन हो चुका है तो ब्रेक्स लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस अब यहाँ से भाई रिवर्स करेंगे, पहले तो यार मैं डोर्स ओपन करता हूँ अपने लोकोमोटिव के और जनता को बताते हैं कि भाई उनका वेब 7 जो कि एरोड शेड का है, वैसे उन्हें तो घंटा पता नहीं चलेगा भाई ये वेब 7 क्या है एरोड क्या है, उन्हें तो भाई सिर्फ इतना पता है कि इंजन है, इंजन लग गया है या हट गया है। तो जनता सुनो यार तुम्हारा इंजन यहाँ पे, अरे यार ये नीचे इसको लकवा मार गया ये। यार हमजा भाई से ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, इसके फिजिक्स ना इनके जो मॉडल्स में लगाए जाते हैं यार इनको कुछ तो करने की नीड है। वरना आप देखो रूट्स जितने भी रूट बिल्डर्स बनाते हैं वो कितनी मेहनत से बनाते हैं, तो कहीं कहीं जो OHE वायर है वो डबल वाली हो जाती है जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में शायद बताया था। अब ये देखो, बट अगर किसी और मॉडलर के आप मॉडल चेक करोगे ना उनके जो नीचे का बेस होता है, बेस पार्ट होता है मॉडल का, वो कभी ऐसा नहीं करता है। ये सिर्फ हमारे हमजा भाई के ही मॉडल्स में देखने को मिलता है। तो चलो भाई कोच के कपलिंग पोर्शन पर आ जाते हैं। सो गाइस एक छोटा सा स्टॉप लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि लोको पायलट्स लेते हैं। तो भाई हल्की सी पावर यहाँ पे और देते हैं और लोकोमोटिव को अपने कपल करते हैं इस ट्रेन से। क्या बात है यार, बहुत ही प्यारा यहाँ पे पता है कपलिंग मतलब देखने को हमें मिल सकती थी, बट ये देखो यहाँ भी जो मेरा बफर है वो भाई आपस में इनका मिलाप हो चुका है। तो चलो इन्हें जो करना है इन्हें करने देते हैं। सिग्नल हमारा स्टार्टर हमें दे दिया गया है खुर्दा से, ट्रेन का भाई इंजन बस लगा ही है और कहते हैं भगा दो। एक्चुअली गाड़ी जब अपनी भाई प्लेयर की होती है ना तो उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो गाइस चलो यार इतने में अपनी पैसेंजर व्यूज़ सही कर लेता हूँ और मैं अपनी सीट पर आ जाता हूँ जो कि जनरल कोच में आज मुझे दे रखी है। खुर्दा से यार पुरी के लिए जाना है तो क्या इसमें मैं रिजर्वेशन करता, जनरल कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे पहले हम हॉर्न बजाते हैं कि देखो भाई स्टार्टर दे रखा है गाड़ी को, तुम्हें चलना है तुम चलो, तुम्हें बैठना है बैठो,
अपने जिसे भी तुम छोड़ने आए हो, सी ऑफ करने आए हो गया, अब मैं यहाँ से डिपार्ट कर रहा हूँ। और गाइज यहाँ पर भाई देख सकते हो बहुत ही शानदार यहाँ से डिपार्चर ले लिया है दोनों गाड़ियों ने। मद्रास मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्ट कर रही है जो कि चेन्नई की तरफ जा रही है, और हम भाई अपने आखिरी स्टॉप जो कि है हमारा पुरी उसकी तरफ रवाना कर चुके हैं। देखो यार ये यहाँ पे बेनिफिट होता है, मद्रास मेल है अपनी मेल लाइन पे तो उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगी अच्छी खासी। वैसे यार इसी लाइन पे पता है आगे मालगाड़ी गई है तो डेफिनेटली ये आगे के एक दो स्टेशन तो थोड़ा क्रॉल करके जाएगी। और थ्रॉटल पावर को अब मैं यहाँ पे 10% कर लेता हूँ या चलो 15 करते हैं यार। स्पीड हमें ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी है क्योंकि जो 80 kmph की लिमिट मुझे दिख रही है अपने ट्रैक मॉनिटर पे वो भी थोड़े डिस्टेंस पर जाके है। और भाई देख सकते हो काफ़ी प्यारा रन यहाँ पर गाइस हमें देखने मिल रहा है। ट्रैक साउंड तो गजब लेवल, दोनों गाड़ियाँ बहुत ही सही यहाँ पे पैरेलल अपनी रेस करती हुई। गाइस ये पता है जिस स्विच के ऊपर से अभी मेरी ट्रेन निकली है ना भाई, इस स्विच पे आने वाली जो गाड़ियाँ हैं ना, ये जो हमारी ऑपोजिट ट्रैक है भाई, इस पर भी क्लियरेंस मिल जाता है ओपन रेल्स की तरफ से। मतलब यार मैं स्विच के ऊपर से अपनी ट्रेन लेकर जा रहा हूँ ना, उसी टाइम पीरियड में आगे से ऑपोजिट लाइन वाली जो गाड़ी है उसे भी क्लियरेंस मिल सकता है। तो भाई असली में तो ऐसे डीरेलमेंट हो जाएगा। ये चीज़ आई थिंक इस रूट के ये चैप्टर 2 में थोड़ा फिक्स होने की नीड है। तो मद्रास मेल को भाई बाय बाय करते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपनी थ्रॉटल को डाउन करता हूँ, 10% लगा लेते हैं। आगे आई थिंक कोई ट्रेन खड़ी है होम सिग्नल पे, और देख सकते हो भाई मद्रास मेल आई थिंक उसकी स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है, उसे अभी सिग्नल नहीं मिल पाएंगे भाई। आगे मालगाड़ी जा रही है, कितनी स्पीड कैच कर लेगी मालगाड़ी भी। अच्छा इसे देखते हैं, 12838 पुरी से हावड़ा के लिए जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो कि गाइस हद से ज़्यादा यहाँ पर लेट चल रही है। आई थिंक ये रात के टाइम पर यहाँ से निकलती है ट्यूज़डे में, बट ये वेडनेसडे की मॉर्निंग में खुर्दा पर आ रही है। तो गाइस आज की एक्टिविटी में ना हाँ थोड़ा ऐसा भी हो रखा है, जो ट्यूसडे नाइट का ट्रैफिक है ना जो पुरी से निकलता है खुर्दा की तरफ, वो भाई आज मॉर्निंग में निकल रहा है। अब ऐसा क्यों है वो कुछ भी रीज़न हो सकता है रेलवेज की तरफ से, ये मुझे नहीं पता। तो हाँ आज का जो ट्रैफिक है वो भी तुम्हें अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, हर मोमेंट पे क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब चलो भाई बातचीत थोड़ी कम और यहाँ पे 80 की लिमिट मिल चुकी है तो ज़्यादा हम यहाँ पे वेट नहीं करते हैं, भाग जाते हैं भाई अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर। और गाइस पुरी हावड़ा को अभी भी यहाँ से सिग्नल नहीं मिलाया जाने का, आई थिंक एक दो मिनट बाद मिलेगा इसको सिग्नल। तो गाइस चलो यार अपनी पैसेंजर की सीट पर चलते हैं, इन्जॉय करेंगे आज का पूरा रन अपना। ये यार कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है आगे, हरिपुर ग्राम PH क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट हरिपुर ग्राम ऐसा करके कोई रेलवे स्टेशन है गाइस ये, जहाँ पर खड़ी है 18452 पुरी से हटिया के लिए जाने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस। अच्छा होम सिग्नल पे पुरी से हावड़ा के लिए जाने वाली सुपरफास्ट खड़ी है और तपस्विनी को इस रेलवे स्टेशन पर रुकवा लिया गया है। अब भाई जब तक वो होम से नहीं हटेगी तब तक इसको एंट्री नहीं मिलेगी। भाई क्या क्रॉसिंग है यार, FPS इतना प्यारा है मेरा, अभी गेम बिल्कुल भी गाइस लैग नहीं कर रहा है। तो चलो यार थोड़ी इस साइड भी आके देखते हैं, और हल्की सी यार यहाँ पर ओवर स्पीडिंग कर दी है हमारी ट्रेन ने, बट कोई नहीं यार थोड़ा पुराने वाले भी यार वाइपर ऑन मत करो, बारिश नहीं हो रही है, मुझे बेल बजानी है ये वाली। ओहो गजब। तो गाइस यहाँ पे 100 की लिमिट मिल चुकी है गाड़ी को हमारी, और आगे भाई कोई ट्रेन आ रखी है 18477 गाइस पुरी से ऋषिकेश के लिए चलने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जो कि भाई एक ICF गाड़ी है। गाइस ये 2000 से ऊपर का ये डिस्टेंस कवर करती है, पता है 2000 से 3000 के बीच का डिस्टेंस कवर करती है शायद। भाई रेलवे से ना एक रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेन को LHB कर देना चाहिए। सो गाइस देखो यार कितने से टाइम फ्रेम में हमारी कितनी क्रॉसिंग्स लग गई। खुर्दा पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, आउटर पे हावड़ा
सुपरफास्ट खड़ी है, उसके पीछे तपस्विनी लगी पड़ी है, उसके पीछे भाई कलिंग उत्कल लगी पड़ी है। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है खुर्दा रोड से भुवनेश्वर का जो ट्रैक लेआउट है ना, वहाँ पर ट्रिपल लाइन है, तो भाई ये जो ट्रैफिक है ना वहीं जाके क्लियर होगा। हम तो भाई आज का अपना सफ़र एंजॉय करते हैं। ट्रैक साउंड तुम सभी सुन सकते हो, बहुत ही प्यारा रन हमारी ट्रेन यहाँ पे कर रही है। 100 की लिमिट है और 88 की हमारी स्पीड हो रखी है। चलो थोड़ी सी थ्रॉटल पावर यहाँ पर और बढ़ा देता हूँ। 100 की लिमिट है ना, तो 95 पर तो जानी चाहिए यार ट्रेन। ऊपर से LHB गाड़ी है। किसी का इस ब्रिज को हम यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। कौन सा था यार मुझे नहीं पता, उस पर नाम नहीं आ रहा था रिवर का। तो भाई ट्रेन तुम यहाँ पर ऑटो पायलट पर चली जाओ। और गाइस यहाँ देख रहे हो जो हमारी पीछे की सीनरी है ना, वो थोड़ी खाली खाली है। तो यार ये जो चैप्टर 2 आया है ना पुरी का, इसमें जब पुरी के आप क्लोज पहुँचते जाओगे तो सीनरी बहुत ही प्यारी होती जाएगी। मतलब क्या रूट बिल्डर ने एकदम गजब लेवल वाली मेहनत करी है। बट यहाँ पर आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा इस एरिया को खाली छोड़ दिया। आई थिंक इस एरिया को वो भूल गए होंगे, उन्होंने सोचा होगा यार इस एरिया को मैं बाद में कवर करता हूँ, और उनके ध्यान में नहीं रहा होगा। आई थिंक ये पुरी जो है वो कोस्टल एरिया है ना, शायद पुरी यार एक कोस्टल एरिया में आया। बट स्टिल यहाँ देखो यार ये पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। ऑल्दो ये पहाड़ वैसे नहीं है जो हिमाचल या ये उत्तराखंड वाले हो गए। सो गाइस ये रेलवे स्टेशन है मोटारी प्लेटफॉर्म नंबर 2, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 दूसरी लाइन पे होगा, बट ये रेलवे स्टेशन है कोई मोटारी। 12146 पुरी से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई पुरी से मुंबई का सफ़र तय करना इस गाड़ी ने, और लिंक देखो वैगनाइन दे रखा है। यार ऑपोजिट ट्रैक बड़ी दूर चली गई अपने से। अच्छा यहाँ देख सकते हो ये यार एक छोटी मोटी जो नदी होती है ना, ये काफ़ी रूट में मिसिंग है। नो डाउट यार ये रूट जो बनाया है ना एकदम मेहनत से बनाया है। सो गाइस ये रेलवे स्टेशन आ रहा है कंस रोड। ये थोड़ा कंस राव की तरह साउंड कर रहा है। आई थिंक मुरादाबाद डिवीज़न के अंदर में एक रेलवे स्टेशन आता है, वो कंस राव है। नहीं यार आई थिंक कंस राव देहरादून के आसपास है। गाइस ट्रेन हमारी यार खुर्दा से जब से निकली है तब से हमारी ट्रेन को 100 की MPH दिया गया था, बट 2 या 3 किलोमीटर के बीच में इसको 110 की लिमिट दे दी जाएगी। 100 से 110 यार कितना ही होगा, 100 से 130 करते तो बात बनती। आगे से गाइस ट्रेन आ रही है 12:81 पुरी से नई दिल्ली के लिए चलने वाली पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको अमंग रेल फैंस इसको पुरु भी कहा जाता है। चलने में भी यार ठीक ठाक गाड़ी है ये। ऑल्दो इसकी अगर तुम लोग रेक देखोगे ना तो तुम कहोगे यार इसकी मेंटेनेंस कौन करता है। चुका ये कोई रेलवे स्टेशन है, देलांग रेलवे स्टेशन, जहां पर 22836 पूरी शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक खा चुकी है पुरुषोत्तम से। और अगर मैं इस साइड आऊं तो भाई देखो हम भी किसी ट्रेन को यहां पर ओवरटेक कर रहे हैं, जो कि है हावड़ा से पुरी जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसको भाई कोई वैफोर लग रखा है। इसकी हमें बहन मिली थी शायद खुर्दा के आउटर पे। वैसे यार ये देखो ये पूरी शालीमार सुपरफास्ट है और पुरुषोत्तम से पता नहीं क्यों ओवरटेक खा गई। सुपरफास्ट को ओवरटेक ज़्यादातर गाइस तभी कर पाती है जब उसका कोई स्टॉप हो एक ट्रेन का और दूसरी वाली का नहीं हो, और एकदम भाई उसके पीछे ही चल रही हो। और कंट्रोलर अगर भाई मस्ती के मूड में है तो अलग बात है, दोनों ट्रेन को ला के एक ही स्टेशन पर खड़ा कर देगा। कि निकलेगी तो पहले वही जो आके पहले खड़ी हुई है। और ऐसा बहुत होता है यार, इसका प्राइम एग्जांपल अगर आप देखना चाहो ना तो कभी भी दिल्ली से मथुरा के बीच की कंट्रोलिंग चेक कर लेना भाई। ऐसी ऐसी ट्रेन्स इतनी लेजेंडरी गाड़ियों को ट्रॉल कर देती है ना कि अपने पीछे ही रखती है उन्हें। यार एक तो ट्रैक साउंड इतनी प्यारी हो रही है ना,
अच्छा देखो यहाँ पे 110 की लिमिट मिल गई। आई थिंक देलांग रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद ट्रेन को यहाँ पर 110 की लिमिट मिल जाती है। पर गाइस खुर्दा से पूरी ज़्यादा दूर नहीं है, रियल लाइफ का जो इसका डिस्टेंस है ना ट्रेन का वो 43 या 44 है, बट गेम में 49 किलोमीटर दिया है अपने भाई ने। भाई रियल डिस्टेंस बेस्ड पे जो रूट होते हैं ना, सबसे प्यारी बात उनकी मुझे यही लगती है कि एकदम असली वाला एक्सपीरियंस लगता है आपको। अगर असली में खुर्दा से पूरी 50 मिनट लगता है तो इस गेम में भी उतना ही लगेगा। ऑल दो डिपेंड आप पे करता है भाई ट्रेन अपनी कैसे चला रहे हो। जैनापुर रोड रेलवे स्टेशन को गाइस अपनी ट्रेन यहाँ पे क्रॉस कर रही है। और गाइस सून ना भाई एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी की क्रॉसिंग होने वाली है। अब बढ़िया से तुम गैस कर सकते हो कौन सी हो सकती है। तो भाई ट्रेन हमारी 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपनी अचीव करने वाली है। 35% की थ्रॉटल पावर को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। आई थिंक अब मेरा ज़्यादा कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा तो ये अच्छी बात है। और भाई आगे से आ चुकी है कोई ट्रेन, अब ये कौन सी है ये तुम देखो। गाइस 12278 पुरी से हावड़ा के लिए जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। आई थिंक गाइस जो पुरी शालीमार को लूप लाइन पे लगवा रखा है ना वो एक्चुअली ये शताब्दी के लिए लगवाया होगा, बट पुरुषोत्तम ने यहाँ पे बाजी मार ली। अब शालीमार का क्या यार, शालीमार ज्यादा दूर नहीं है पुरी से, बट जो गाड़ी दिल्ली जानी है उसको भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसे अपना डिस्टेंस कवर करके चलना पड़ेगा। ऑलरेडी वो वैसे ही लेट चल रही है। यानी यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया, मुझे लगा आएगा नहीं। पूरी यार अभी भी मेरा 25 किलोमीटर बाकी है। क्या जी काम करते हैं यार, 110 की लिमिट है ना, 120 की रफ्तार पर चलते हैं। या छोड़ो यार ओवर स्पीडिंग मैं किसी और वीडियो में करूँगा। तो गाइस ये कोई रेलवे स्टेशन है, बीर पुरुषोत्तमपुर। अच्छा तो जो पुरुषोत्तम सुपरफास्ट गाइस ये जो ट्रेन चली है ना वो इस रेलवे स्टेशन के बेसिस पर चली होगी, मतलब ये एरिया का कुछ होगा भाई पुरुषोत्तम नाम से स्पेशल। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पार्सल ट्रेन खड़ी हुई है। अच्छा शताब्दी ने इसको भी ओवरटेक मार दिया। ओ भाई 109 की रफ्तार देख रहे हो, ट्रैक साउंड खटाखट। भाई यहाँ पर लगा कि हाँ अपनी ट्रेन भाग रही है अच्छी वाली। और वो देखो यार LHB पार्सल ट्रेन के पीछे जो लगा रखा है ना गार्ड साहब के लिए कोच जो दिया है, उन्हें दिया कैबूज कि तुम कैबूज में जाओ। तो ट्रेन यार तुम ऑटो पायलट पर अब चलती रहो। वैसे भी गाइस जहाँ तक मुझे लग रहा है ना मेरा जो क्लियरेंस है वो पूरी तक पूरा दे रखा है। यार मैं ट्रेन्स को ओवरटेक करके आ रहा हूँ तब तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हाँ पूरी तक क्लियरेंस है मेरे पास। ऑल दो आउटर पे शायद होम पर मुझे रुकना पड़ जाए। एज गाइस पूरी जो है वो टर्मिनल है शायद एक तरह से, बट मैंने कहीं पर भी पढ़ा नहीं है यार पूरी को टर्मिनल लिखा हुआ दिखाया गया हो। देखो यहाँ पे भी हमारे नेक्स्ट स्टेशन की जो विंडो है उसमें भी नहीं लिखा पूरी टर्मिनल। तो चलो यार थोड़ा सा कैब में भी चल के अपना एंजॉय करते हैं गेम को। लोग कहेंगे भाई तुमने ना जर्नी करवाई लोकोमोटिव के अंदर ही लेके गए यार। अरे यार यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है और भाई मोड़ पे है यार ये पूरा, यहाँ तो ट्रेन फुल टू हॉकिंग के साथ जाती होंगी। ऑल्दो मुझे पता है हर फाटक पे हॉर्न बजा के जाती हैं, बट इस पर थोड़ा ज़्यादा बचता होगा। देखते हैं यार लोकोमोटिव की हालत कैसी हो रखी है। हमजा भाई यार थोड़ा नीट एंड टाइडी वर्क तो करते हैं, देखो अपना लोकोमोटिव कितना साफ सुथरा हो रखा है। यहाँ पे इसका ये डोर क्यों खुला है मुझे नहीं पता, एनीवेज खुला रहने देते हैं। और यहाँ पर भाई विंडो खोलो पहले तो। अरे ये तो बंद हो गई यार, ऑलरेडी खुली हुई थी। और डोर्स मेरे पहले तो डोर्स को ओपन करते हैं चलो। सो गाइस पुरी से शालीमार के लिए जाने वाली श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस। ये शताब्दी के पीछे चल रही है क्या? तो गाइस शताब्दी के पीछे देख सकते हो भाई श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस को चलवाया जा रहा है। आई थिंक रात के ट्रैफिक की ये आखिरी गाड़ी है, इसके बाद पुरी से जो मॉर्निंग ट्रेन्स होंगी वही निकलवाई गई होंगी। वैसे ये देखो यार रात का ट्रैफिक है वो अलग बात है, बट शताब्दी अपने एग्जैक्ट टाइम पर ही निकल रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा ट्रैफिक की वजह से,
बट उसको नाइट ट्रेन्स की तरह लेट नहीं करवाया गया। और गाइस अभी हम ये रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं सखी गोपाल। अच्छा यहाँ देखो यार, ये सखी गोपाल गुड्स भी लिखा है। मुझे लगा ये खुर्दा से पुरी का जो स्ट्रेच है ना, इसके बीच में कोई मालगाड़ी चलती नहीं है। मैंने किसी की भी वीडियो में भाई मालगाड़ी की क्रॉसिंग ही नहीं देखी। तो हाँ, थोड़ा ऐसा भी मैं करता हूँ, जब भी अपनी वीडियो बनाता हूँ उससे पहले थोड़ा ये सब चेकआउट कर लेता हूँ कि ट्रैफिक कैसा रहता है या गुड्स ट्रेन होती हैं या नहीं। मुझे किसी की भी वीडियो में एक मालगाड़ी तक नहीं दिखी भाई, खुर्दा से पुरी के स्ट्रेच में। और यहाँ देखो गुड्स की एक लाइन बनवा रखी है सखी गोपाल पे। तो आई थिंक जो पुरी की तरफ मालगाड़ियाँ आती होंगी वो सखी गोपाल पे आके रुकवाई जाती होंगी, उनका गुड्स यहीं पर उतारा जाता होगा। मैं भी ये सोच रहा था यार, पुरी की तरफ जितना भी मतलब गुड्स जाता होगा वो क्या खुर्दा से पहुँचाते होंगे लोग। और यहाँ से देख सकते हो पुरी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 16-17 किलोमीटर है। और गाइस पता है खुर्दा से पुरी रियल लाइफ में 43-44 किलोमीटर है, बट इस गेम में इस रूट में आपको वो 49 किलोमीटर दे रखा है। ये सबसे सही बात लगती है यार कि रियल डिस्टेंस वाला जो रूट है ना, उसका डिस्टेंस तुम किसी रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक का कम मत होने दो, भले ज़्यादा कर दो। ज़्यादा हो मज़ा आएगा सफ़र करने में, कम हो तो भाई बुरा लगेगा कि हाँ जर्नी अपनी एकदम ख़त्म हो गई। एक ही ओपन रेल पता नहीं यार क्या वो करके देखो मेरा टाइम टेबल बनाया है। खुर्दा से तो चलो 7:10 या 15 पे मेरा डिपार्चर था जो एक्चुअल था, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:40 होने वाला है। तो भाई कैलकुलेट कर लो, 40 में से 15 माइनस कर दो, 25 मिनट गाइज यहाँ पे मुझे हो चुके हैं अपनी ट्रेन को पूरी खुर्दा से निकाले हुए। और मैंने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, अब यहाँ पे 50 में से 15 निकाल दो, 35 किलोमीटर कवर किया यार मैंने 25 मिनट में। ये कोई बुरी बात नहीं है यार, ये तो फिर सही चल रही है अपनी ट्रेन। 25 मिनट में 35 किलोमीटर बहुत होता है। और ये मज़ा भी भाई तब आ रहा है जब 100 के ऊपर चल रही है गाड़ी, कभी 100 कर रही है, कभी फिर 70 पे आ रही है, ऐसे करके डिस्टेंस अच्छा कवर नहीं होता है, आपको एक फ्लो बना के चलना पड़ता है। ऊपर आई थिंक कोई हाईवे होगा देखो। और अगर एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ की सीनरी देखो यार कितनी प्यारी हो रखी है। आगे से ट्रेन आ गई यार, 18414 पुरी से पारादीप आई थिंक गाइस ये कोई रेलवे स्टेशन है, उसके लिए जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। भाई 108 की रफ्तार पे ब्रिज को क्रॉस करते हैं। इस रूट के भाई ब्रिज ना एकदम अल्टीमेट लेवल के हैं, जब उन्हें गाड़ी 100 के ऊपर की रफ्तार पे क्रॉस करती है ना मज़ा आ जाता है। अभी तो गाइस किसी रेलवे स्टेशन को हम 100 के ऊपर की रफ्तार पे क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो यार प्लेटफॉर्म देखो इस रेलवे स्टेशन का, वाइपर्स यार पता नहीं क्यों बार बार ऑन ऑफ हो रहे हैं, और स्टार्टर पूरा ग्रीन, आगे वाला सिग्नल ग्रीन, भाग रही है यार अपनी गाड़ी कुछ तो। गैस यहाँ पर भाई हमारे लिए पुरी का जो डिस्टेंस बाकी है वो है अराउंड 10.5 किलोमीटर, तो डेफिनेटली यार 15 मिनट मुझे यहाँ पे लग जाएंगे, क्योंकि पुरी के आउटर में तुम्हें पता है यार स्लो करनी पड़ेगी ट्रेन, तो जब स्लो हो जाती है ना तब टाइम वहीं लगता है। वो जो 20 की स्पीड लिमिट फॉलो करो या 30 की लिमिट फॉलो करो। देखते हो तुम्हारी ये भी शिकायत थी कि लास्ट वीडियो ना थोड़ी ड्यूरेशन कम हो गई। अगर गाइस मेरी उस वीडियो को एक महीना नहीं लगता ना तो डेफिनेटली यार मैं ड्यूरेशन ज़्यादा कर सकता था। और आगे ये कोई रेलवे स्टेशन आ रहा है मलातीपतपुर। तो भाई मलातीपतपुर को हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, और देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ना रेक को पार्क किया गया है। आई थिंक पुरी रेलवे स्टेशन पर अगर ज़्यादा रेक्स हो जाती हैं तो उनको ये सेकेंड लास्ट स्टेशन है, पुरी से पहले एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो यहाँ पर भी कुछ ट्रेन्स को ना आई थिंक लाकर पार्क कर दिया जाता है उनकी रेक को। ये देखो ये कोई ICF CBC रेक खड़ी हुई है। और यहाँ देखो यार भाई एकदम बफर से टच हो रखा है वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, आगे डीजल लग रखा था, उसके पीछे दो फ्रेट लोकोमोटिव लगा रखे थे। तो भाई वापस से 100 की लिमिट के अंदर में आते हुए देख सकते हो 4 किलोमीटर पे जो अपना सिग्नल है वो रेड एंड येलो हो रखा है। 18416 पुरी से बरपील के लिए जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। गाइस मुझे इस ट्रेन का और पारादीप वो जो इंटरसिटी गई ना उसका यार समझ नहीं आया, दोनों का जो रेक कंपोजिशन है वो सेम था, बट ये किस तरह से चलाई जाती है मुझे बिल्कुल नहीं पता।
तो भाई इसके बारे में तो मुझे बता सकते हो? एज गाइस इंडियन रेल इन्फो जो एक वेबसाइट है जहाँ से मैं ट्रेन्स की जो है नॉलेज गैदर करता हूँ ज़्यादातर अपने गेम के लिए, वहाँ पर भी यार ऐसा कुछ नहीं लगा था कि यार इस रेलवे स्टेशन पर जाके उनकी रेक्स अलग की जाती हैं। तो भाई प्लेयर के कंट्रोल में लेता हूँ, पहले तो मैं अपनी ट्रेन ऑटो पायलट ने बहुत चला ली, अब थोड़ा हमें भी अपनी ट्रेन चलाने दो यार, हॉर्न बजा के जाते रहते हैं। आउटर में देख रहे हो गाड़ी पहुंच चुकी है, बट स्टिल भाई लोको पायलट मानेगा ही नहीं, चला के रहेंगे यार अच्छे से, डिस्टेंस कवर करना है, पूरी 4:30 बचा है, फिर भी रुकना तो है ही नहीं भाई। ये देखो आई थिंक सिंगल येलो है, सिंगल है डबल है, सिंगल है यार, सिंगल येलो को भाई 91 kmph पे क्रॉस करते हुए, ये हुआ ना कुछ 130 kmph वाले लोको पैलेट्स की तरह हरकत। तो चलो अब आगे भाई 80 की लिमिट आ रही है, ज़्यादा भी मस्ती नहीं करेंगे, ट्रेन को यहाँ पे स्पीड थोड़ा कम करते हैं। 80 की लिमिट आ रही है वो ठीक है, क्योंकि उसके आगे ना रेड सिग्नल भी है। सीरियसली यार हमजा भाई के लोकोमोटिव में ना लोकोमोटिव ब्रेक सबसे प्यारी चीज़ लगती है मेरे को, काफ़ी पुराने मॉडल्स में आपको देखने नहीं मिलेगा। अब देखो जो मेरी ट्रेन की स्पीड है ना क्या ही प्यारे तरीके से भाई यहाँ पे कम हो रही है, वो गाइस आप दूर में देख सकते हो भाई हमारा जो है रेड सिग्नल हमें दिखाया जा रहा है। तो यार इसके लिए अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, जैसा भाई मैंने तुम सभी को बताया था पुरी के आउटर पे होम सिग्नल जो होगा वहाँ पर ट्रेन अपनी रुकने के चांसेस हैं, जो कि भाई यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल चुका है। तो गाइस चलो यार ट्रेन को अब यहीं पर रोक लेते हैं, सिग्नल से आई थिंक मैं 20 मीटर की दूरी मेंटेन करूंगा। यहाँ तो बड़ा सही तुक्का लग गया यार, एग्जैक्ट 20 लगी है, आगे का ट्रैक चेंज क्यों रखा है? गाइस ये देखो यार होम सिग्नल पे आके मेरी ट्रेन ने जस्ट स्टॉप लिया था और आगे से ना कोई ट्रेन को डिपार्चर मिल जाता है, जो कि है आई थिंक अभी ये थोड़ा पास आने दो, इसका नंबर जब पता चलेगा ना तब बताता हूँ, ये मेरे ही ट्रैक पे हो रखा है, अभी मुझे सिग्नल दे दिया ना या मैं जंप कर जाता सीधा उस ट्रेन में जाके ठुकना था। 2047-2 पुरी से बीकानेर के लिए जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये रात की गाड़ी है दिन की गाड़ी है? आई थिंक दिन की गाड़ी है, ये टाइम से निकल रही है, थोड़ा बहुत लेट हो गई होगी ऊपर नीचे 20 मिनट या 25 मिनट ऐसे। तो चलो भाई तुम लोग एंजॉय करो अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग, जो कि ये आगे से ट्रेन अप्रोच कर रही है, बस यार स्पीड में बढ़ लाया ये, देखो कहाँ पे स्टॉप ले रखा था इसने आगे, पता है सिग्नल रेड था इसका। बाय बाय बीकानेर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुपरफास्ट है एक्सप्रेस है आई थिंक सुपरफास्ट है, ये भी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करेगी यार। एक्चुअली गाइस दिक्कत क्या है पता है होम पे हम क्यों रुके हैं, एक तो इस ट्रेन का एक रीजन हो गया और दूसरा ये है कि आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी को यूजुअली लगाया जाता है, जो रियल लाइफ में लगाया जाता है, मैंने कहा यार गेम में भी हम क्यों बदलें, गेम में भी हम उसी प्लेटफॉर्म पे लगा देंगे, तो एक रीज़न ये हो जाता है।
देखो भाई हमारी इस ट्रेन ने अपना स्विच क्लियर कर दिया और यहीं पे ओपन ही इसने कहा भाई एकदम भगाओ अपनी गाड़ी को, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें, वरना फिर एडिटिंग में तुम्हें टाइम लगता है। तो चलो यहाँ से अब डिपार्चर लेते हैं और ज़्यादा स्पीड देखो मिलेगी नहीं, अब बड़े स्टेशन में एंट्री करनी है। ट्रेन भाई ये आ चुकी है 2047 टू आई थिंक 80 की MPH की लिमिट में, तो ये तो भाई अब स्पीड बढ़ाएगा और भगा के ले जाएगा। तो गाइस बताओ यार आज का रन सभी को कैसा लगा। पहले मैं यहाँ पे थ्रॉटल पावर को 10% कर देता हूँ और इधर का अपना कैमरा पॉइंट कर लेते हैं। सोचो यार पीछे से कोई भगाने वाली गाड़ी आ रही हो, जस्ट हमारे पीछे लगी पड़ी हो और उसे अपनी ये लेफ्ट हैंड वाली ट्रैक पे क्लियरेंस मिल जाए। मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी ना, साथ में पैरेलल एंट्री हो जाएगी लास्ट में भी, क्योंकि भाई आज की वीडियो में ना पैरेलल तुमने अच्छा खासा किया है, वैसे किया था। यहाँ पर एकदम लेफ्ट वाली जो ट्रैक है ना, यहाँ पे यार एक गरीब रथ खड़ी रहती है और मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वो कौन सी गरीब रथ है, उसके साथ ना एक शंटिंग हो रही होती है एक्चुअली उसकी, उसके साथ भाई हमारी पैरेलल रेस हो सकती थी। और बट यहाँ पे यार मैंने टेस्टिंग नहीं करी थी ना इस एक्टिविटी की, वो तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अब वो आई थिंक यार्ड में जाके लग चुकी होगी। और मेरी ट्रेन स्टिल देख सकते हो स्लोली स्लोली भाई अपने पूरी की तरफ बढ़ती जा रही है, ज़्यादा लिमिट हमें यहाँ पे दी नहीं जाएगी। एक तो यार पूरी में एंट्री करते वक्त देख रहे हो क्या ही शानदार यहाँ पे कर्व देखने के लिए मिलता है, पूरी पर भी ना यार सही वाला ट्रैफिक लग रहा है मेरे को। देखो मेरा FPS डाउन जा रहा है तो होगा। तो उड़ीसा के पूरी वासियों तुम्हारी भाई देखो यहाँ पे मैंने अहमदाबाद से पूरी के लिए चलने वाली, क्या नंबर था यार इसका, 12844 भूल गया यार मैं। तो भाई गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे लग चुकी है यार, 30 की लिमिट है तो एकदम एग्जैक्ट 26 की रफ्तार पे जा रही है गाड़ी। यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करते हैं ना वो भी कहेंगे यार एंट्री तो कर रही है गाड़ी कुछ। गाइस पुरी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है पुरी से कटक के लिए चलने वाली MEMU ट्रेन। मैंने यार इसका प्लेटफॉर्म देखा ना, फिर मैं कह रहा यार एक नंबर MEMU लगवा रखी है, और जबकि देख रहे हो प्लेटफॉर्म कितने सारे हैं यहाँ पे, आई थिंक 7-8 प्लेटफॉर्म है, 8 प्लेटफॉर्म है यार। और गाड़ियाँ देख सकते हो अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी हैं यार, हमारे राइट हैंड साइड पे कौन सी खड़ी है ये, चलो इसे भी देखते हैं कौन सी है। सो गाइस हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है 18451 हटिया से पुरी के लिए चलने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस, जिसका यार हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ी को देखा था। और ये खड़ी है 12802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से आ चुकी है। यार इसकी रेक को अभी तक इन्होंने शंट नहीं किया, एंड आई थिंक गाइस पुरुषोत्तम लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेटफॉर्म पे लगी रहती है, पर देखो आज राइट पे खड़ी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप तुम सभी ने मज़े किए हो। बताना यार आज की वीडियो सभी को कैसी लगी, ईरोड वेब 7 का भाई तांडव कैसा लगा, LHB के ट्रैक साउंड तो गजबी लेवल थे। अपनी ट्रेन पे थोड़ा यहाँ पे फोकस करके रोकनी पड़ेगी, ये देख सकते हो तपस्विनी पे वेब 7 लगवा रखा है और पुरुषोत्तम पे भी वेब 7 ही होगा। यार पुरुषोत्तम का लोको बड़ा आगे जाके रोक रखा है, कहीं बफर में एकदम टच कर रखा है क्या, देखना पड़ेगा मेरे को। चलो वो ठीक है भाई, मैं यहाँ पे पहले अपनी स्पीड को स्लो करता हूँ वरना मेरा सिग्नल यहाँ पे जंप हो जाएगा। भाई ब्रेक्स को ना तुम रिलीज मत करो, अपनी ट्रेन को लगने दो। सो गाइस फाइनल लेग ऑफ द जर्नी, बताना ज़रूर यार सभी को ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे। और ये देखो पुरुषोत्तम को दिया गया है गाजियाबाद शट का वेब 7, काफ़ी दूर से आया भाई। तो चलो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, मेरी वीडियोज़ देखते रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ,
एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ अब मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।